चलिए, नमस्कार सभी का। बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में। यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, हमने जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करवा रहे हैं पवन जी। पवन जी आ जाइए सामने। जी मैम, ओके, जो हम आपकी आवाज नहीं जी आ आ रही रही है मैम, बिल्कुल। हाँ आ रही मैम जी, अब आ रही जी। है। क्वेश्चन को करना, जो मैंने मैम बताए थे कल, उसी का मैंने प्रयास करता हूँ बोलने का। जो पर्यावरण जो चैप्टर थी 9 यूनिट फर्स्ट पेपर की, तो उन्होंने सर्वप्रथम मैम बताए थे, पॉइंट बताए थे पर्यावरण के बारे में बताए थे। पर्यावरण मतलब क्या है? पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर के जैसे वस्तुएं जो देख रहे हैं वो सब पर्यावरण है। तो और उन्होंने क्या है, एक दिए हैं परिभाषा दिए हैं, एक उन्होंने एक परिभाषा दिए हैं जिनके अनुसार रोमन रोमन पवन जी एक जी सेकेंड, आपको थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। बार बार ये मत बोलिए कि मैम ने पढ़ाया है, बस ये है कि हमने ये पढ़ा है कल, उसमें थोड़ा सा आपका अच्छा समय बचेगा। ठीक है, हम लोगों ने अच्छा कल ये पढ़ा है, बस मैडम का नाम अच्छा मत लीजिए ठीक। बार बार। हम लोगों ने जो पढ़ा था इंग्लिश और रोमन हॉलैंड के अनुसार जो बताया गया था कि जो पर्यावरण जो है, पर्यावरण या वातावरण जो हमारे बाहरी जो वातावरण है वो जीवन जगत के साथ साथ प्रभावित करता है। वो हमारे व्यवहार और विकास को भी प्रभावित करता है, उसके साथ वो हमारा परिपक्वता को भी प्रभावित करता है, ये पर्यावरण, ये बताया उन्होंने। तो और दूसरी बात यहाँ पर बताया थे आपने कि हाँ, हम लोग पढ़े थे कल कि पर्यावरण का क्या मतलब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पढ़े थे कि पर्यावरण जो होता है वो कहीं ना कहीं इसी जीव के चारों ओर, जितने भी होते हैं जीव के चारों ओर, कोई भी जीव है उसके चारों ओर कोई ना किसी चीज से मिला हुआ होता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो फिर पर्यावरण के बारे में हम पढ़े थे, शब्द क्या है, अर्थ क्या, उसका उत्पत्ति कैसे होता है। तो पर्यावरण मतलब, पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जिसको इन्वायरन बोला गया है। तो अर्थ उसका मतलब क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर या घिरा हुआ। और पर्यावरण जो दो शब्दों से मिला है, परि प्लस आवरण। परि मतलब क्या होता है, चारों, और आवरण ने ढका हुआ होता है, मैंने हमारे पर्यावरण के आसपास हम चारों ओर ढके हुए रहते हैं, इसी बोलते हैं पर्यावरण हम बोलते हैं। हो गया पर्यावरण। और अब निम्नलिखित जो परिभाषा इसका मिलता है पर्यावरण का, JS, हाँ JS करके एक विद्वान है, हुए हैं वो, उन्होंने परिभाषा दिए हैं कि पर्यावरण या वातावरण जो होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, मतलब हमको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं, ये परिभाषा दी है। दूसरे परिभाषा भी एक विद्वानों ने दिए, उन्होंने दिए थे योग के टर्म में दिए हैं कि अब ये योग हमको किस पर प्रभावित करते हैं, योग जो हमारा किस पर प्रभावित किए, इन्होंने ये बताया। और फिर आपको बताया पर्यावरण का जो घटक बताए हैं, दो बताए हैं, मतलब एक अजैविक बताए हैं और जैविक बताए थे। अजैविक में बताते थे क्या, जिसमें हमारा पंच महाभूत हो से, क्योंकि सृष्टि में जब भी रचना हुए तो ये पंचभूतों से हुआ था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हुआ था, तो इनके अंतर्गत आता है, अजैविक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरा था हमारा पॉइंट था जैविक। जैविक में क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीव बहुत आते हैं, और इसमें जितने भी बहुत से इसमें जीव गिन नहीं सकते, इसे काउंटिंग नहीं कर पाते। तो एक जैविक में हमारा पांच चीज बताए थे, जिसमें एक फंगी बताए थे, और फंगी बताए, एक प्रोटोजोआ बताए थे, एक फंगी बताए थे, और दूसरा जीव जंतु जगत के बताए थे, एक प्राणी जगत के बताए थे, एक शायद भूल रहे मैं, कल ये बताए थे मैम ने। तो धन्यवाद। मोनेरा, एक होता है हाँ मोनेरा, मोनेरा, जंतु फर्स्ट मोनेरा बताए थे, दूसरा जगत बताए और वनस्पति जगत। प्राणी और जंतु तो एक ही हो जाते हैं, वनस्पति जगत और जंतु जगत। हाँ, बहुत प्राणी जगत बढ़िया, में बहुत जितने भी अच्छे प्राणी से आपने पढ़ाई की है। जी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू। और आप सबने भी आशा है ऐसे ही रिवीजन किया होगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जी मैम, ओके थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं, कल जो हमने पढ़ा था उसके ही हम आगे जाएंगे। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले कि पर्यावरण को हमने मुख्य रूप से दो भागों में जाना डिवाइड किया। एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। जो एबायोटिक होता है वही बायोटिक को आगे बढ़ाता है, उसको जन्म देता है। जैविक और अजैविक उसको हिंदी में बोलते हैं। इसके आगे आप यहीं से कहानी शुरू होती है, किसी चीज की उत्पत्ति होगी,
डेवलपमेंट होगा, आगे चीजें बढ़ती जाएंगी, एक से एक नए मैम नए। आपका खाली लोगो दिख रहा है स्क्रीन पर। यस लोगो मैम। अकेला दिख रहा है मैम, हाँ जी स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। एक सेकंड, पीपीटी प्रेजेंट नहीं हो रही है आपके। एक सेकंड, लोगो बस दिख रहा है। चेक कर लेते हैं। अभी हो रही है प्रेजेंट स्क्रीन? अभी मीटिंग की स्क्रीन हो रही है। आप दिख रहा होगा पीपीटी। हाँ थैंक यू। ओके थैंक यू। तो आपको, आपने बता दिया समय से। तो हमने कल यही पढ़े थे, प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ा था, आज हमको मानव पर्यावरण देखना है। जब तक जन्म नहीं होगा, अभौतिक और भौतिक हम नहीं पढ़ेंगे, अजैविक या जैविक, तब तक हमको आगे की पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। इसलिए सबसे पहले समझना उसी को जरूरी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसी से निर्मित होता है मानव पर्यावरण, क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसा है प्राणी, विवेकशील प्राणी है, जो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है इन द सेंस कि उसे विवेक प्राप्त है ऐसा। और दूसरी चीज कि वो अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर जो नए नए आविष्कार करता चला जाता है। क्यों करता है नए नए आविष्कार? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एंट्री कर रहे हैं कोई? एक मिनट, किसी को होस्ट और बना देती हूँ मैं। वैसे टाइम से जुड़े आना चाहिए क्लास में, नहीं तो यही होगा कि क्लास डिस्टर्ब होगी। मेघा पाठक जी, आपको बना दे रही हूँ मैं को-होस्ट, तो ऐड करते जाइएगा अगर कोई आते हैं बाई चांस। आपके नाम सबसे ऊपर। चलिए, हम कहाँ पर थे? हम पर्यावरण संरचना, ये अभी तक हमारा सिर्फ जनरल, अभी हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ये उसी में हम एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख रहे हैं, पर्यावरण संरचना। अब इसमें पहले हो गया हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, अब हमारा आ रहा है ह्यूमन जनरेटेड या मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है, इसको हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है। अब इसमें दो मुख्य हैं, एक हो जाएगा कृषि उत्पादन और दूसरा हो जाएगा हमारा औद्योगिक संकुल। अब ये संकुल वर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? संकुल का मतलब होता है बिल्कुल वैसे जैसे आपने नाउन्स पढ़ी थी ना, कलेक्टिव नाउन, नाउन जो होती है कि कलेक्टिव नाउन, और एक कौन सी होती है दूसरी वाली, जाति वाली यानी निजवाचक जो संज्ञा होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक उसका एकदम नाम नहीं आ रहा है अभी इंग्लिश वाला। पर्सनल जो होता है, इंडिविजुअल वाला। प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन तो नाउन की जगह यूज करते हैं हम, वो अलग होता है। निजवाचक यानी जैसे किसी का नाम है, गुलाब है तो गुलाब में लाल गुलाब, जातिवाचक हो गया वर्ब एडवर्ब्स ना? नहीं, वर्ब इंग्लिश में मत जाइए। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन, एग्जैक्टली प्रॉपर प्रॉपर नाउन। नाउन जो जैसे पूरा समूह है, एक जैसे गाय, गाय या काऊ एक वर्ड है, उसमें सब सारी आगे जितने भी हैं वर्ल्ड में वो सब आ जाएंगे उसमें, लेकिन पर्टिकुलर किसी का एक नाम है तो उसको फिर उससे अलग कर देंगे। तो अब यहाँ संकुल का मतलब वही होता है, बंच जैसे समझ सकते हैं, अलग अलग फूल हैं तो वो उनकी अलग पहचान है, और उनको एक ग्रुप में कर दिया, बंच में कर दिया, तो वो संकुल कहलाएंगे। यही यहाँ पर संकुल का बंच मीनिंग है, आप उसको समझ सकते हैं। इसमें जैसे उद्योग कई तरह के होते हैं, चीनी उद्योग होता है, दाल उद्योग होता है, कपड़ों का उद्योग होता है, इंडस्ट्री अलग अलग बहुत सारी होती है, लेकिन उनको एक कलेक्टिव रूप में क्या बोलेंगे हम? संकुल बोलेंगे। तो
ये दो तरह के हो गए, एक कृषि हो गया और एक औद्योगिक संकुल हो गए। फिर तीसरा क्या, एक और चीज क्या जाती है इसमें, परिवहन मीन्स हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट संकुल। अब इसमें भी यहाँ देख लीजिए ये सारे क्या है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, प्लेन हो गया और ट्रेन हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के साधन है। ये सब एक साथ में क्या कहलाएंगे, संकुल। इनको मतलब हम परिवहन उद्योग के अंतर्गत एक साथ पढ़ेंगे, और जब किसी अलग एक अकेले की बात होगी तब ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली एरोप्लेन से जा रहे हैं हम या ट्रेन से जा रहे हैं, वो अलग अलग आ जाएगा। फिर वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, ये सब कुछ कल आपको बताया था ना कि पर्यावरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता है। कोई एक सिर्फ मौसम परिवर्तन की बात नहीं आएगी, जलवायु की बात नहीं आएगी, या फिर हमारा जो प्रदूषण है यहाँ तक सीमित नहीं है। पर्यावरण में हमको हर कुछ पढ़ना पड़ता है, यानी जितना भी है वो सब कुछ है पर्यावरण में। क्यों? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है, इसलिए हमको सबको जानना जरूरी है। इसीलिए नहीं तो नेट जेआरएफ में क्या आवश्यकता थी एनवायरमेंट को ऐड करने की। इवन हम पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है वहीं से उसको एनवायरमेंट की एजुकेशन देना स्टार्ट कर दी जाती है। क्यों? ताकि वो अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को समझ सके और उसे पता हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, नहीं तो वो सिर्फ गलत करता चला जाएगा। जैसे कि हमने पूर्व में किया कि हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में, अपनी प्रगति उन्नति के बारे में सोचते चले गए और हमने ये नहीं सोचा कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या हो रहा है। तो इसलिए जब जागरूकता आई, अवेयरनेस बढ़ी, तो समझ में आया कि हाँ इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए बचपन से ही। माता पिता कैसे अपने बच्चों को एटिकेट सिखा देते हैं बचपन में ही, तो ये एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए इसको यहाँ पे, ये इसका इम्पोर्टेंस है, नेट जेआरएफ में क्यों रखा गया है, क्योंकि हम एक टीचर बनेंगे तो हमें पता होना चाहिए हम साथ साथ उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी शिक्षा रहेगी उसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये परिवहन के बाद एक और हो जाता है वाणिज्य और व्यापार, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होता है। हालांकि ये जन्म के समय, मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब ऐसे कोई संकल्पना नहीं थी वाणिज्य और व्यापार की, ये कब आई, धीरे धीरे आई। इसलिए सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज है तो कौन सी वाली आएगी, वाणिज्य और व्यापार, यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। नहीं तो क्या था, सब अपने अपने बहुत संसाधन थे, सब अपना बढ़िया बना उगाते, खेती बाड़ी करते और अपना अपना करते, लेकिन आप हमें अपनी चीज दे दो, हम आपको अपनी चीज दे रहे हैं। धीरे धीरे उसने मुद्रा का रूप ले लिया, मनी का रूप ले लिया, आप कुछ दोगे तो उसके बदले में हम आपको रुपया देंगे, पैसा देंगे, मोहरे देंगे, सोने के सिक्के देंगे। तो ये स्वरूप चेंज होता गया जैसे जैसे मानव और ज्यादा इंटेलिजेंट होता गया। अब इसके आगे, अच्छा एक चीज सबसे पहले बताइए, हम आगे जो पढ़ रहे हैं, आगे हम जो पढ़ेंगे उसके पहले की भूमिका है ये, कि ऐसा क्यों होता है कि जो छोटे, हमने देखे हैं वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज हैं, जो हमारे इंडिया के किसी एक शहर से भी छोटे हैं साइज में, लेकिन क्या कारण है कि वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री में आते हैं, विकसित देशों में आते हैं और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, क्या कारण हो सकता है, कोई बताएंगे जरा, क्योंकि ये आज की हमारी जो स्टडी है उसी पे बेस्ड है, इसलिए पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन। में मैम पॉपुलेशन एक कारण हो सकता है। एग्जैक्टली, पॉपुलेशन और दूसरा, दो चीजें हैं जुड़ी हुई, फील्ड मैम बोल सकते हैं, उसका एरिया क्षेत्रफल बोल सकते हैं मैम, जितना एरिया क्षेत्रफल रहेगा उतना ज्यादा डेवलप होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों ज्यादा ना पढ़े हुए लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत बढ़िया, यानी आपका माइंड मेकअप अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, कम एरिए में, मतलब एरिया ज्यादा है उनके पास में अपेक्षाकृत लोगों की, उनके पास भले ही हमारे एक शहर जितनी जगह है या उससे भी कम जगह है, लेकिन उतनी जगह में भी क्या है, जो एक सघनता, मतलब डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। डेंसिटी ज्यादा जितनी होगी, यानी एक छोटे से एरिया में
बहुत सारे लोगों को भर दो, एक 10 बाई 10 का कमरा है उसमें 100 लोगों को भर दो तो कैसी कंडीशन बनेगी वो सोचिए, और एक 100 बाई 100 के कमरे में 10 लोग हैं उसकी कंडीशन को आप इमेज कीजिए। तो वही वाला है मैटर कि सॉरी बहुत जितना भी उनका एरिया है हमारे अकॉर्डिंग बहुत कम एरिया है उनके पास, लेकिन उतने एरिया में भी उनके पास लोग भी कम है, और जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग उनके पास में सोर्सेस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन रिसोर्सेज का उन्होंने बहुत अच्छे से उपयोग किया और वो आज डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर है? तो अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आती जाएंगी चीजें। ये हमारे एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एनवायरमेंट का, इसमें सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसे कोई समझने वाली बहुत टिपिकल चीज नहीं है ये। आगे की चीजें हम देखते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या था हमारा, सस्टेनेबल वर्ल्ड हमने देखा था, मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर हम आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मिलेनियम विकास या सतत, इसको हम बोलते हैं सहस्त्राब्दिक विकास। सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का जो एक समूह होता है उसको बोलते हैं सहस्त्राब्दी, 1 से लेके 100 तक। उस पूरे काल में, उस पूरे पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी बात करें, या हम आज से आज बात करें कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 से आगे के 100 ईयर्स तक हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमको ये काम करना है इन 100 ईयर्स में। वो हम एक टारगेट लेके जब चलते हैं 100 ईयर्स तक, कौन जीता है आज की डेट में, आज की डेट में तो एज हमारी कितनी हो गई, जो एक डेथ एज होती है 50 के आसपास ज्यादातर लोग चले जाते हैं, मुश्किल से कुछ लोग आगे जाते हैं। तो ये एक औसत आयु बता रही हूँ मैं जाने वालों की। तो लेकिन प्लान बन जाते हैं तो उस प्लान को आने वाली पीढ़ी फॉलो करती है, ऐसा नहीं है कि हर समय नया ही नया प्लान बनाएंगे तो प्लान ही बनते रहेंगे, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे प्लान बनाए जाते हैं। तो ये सहस्त्राब्दी के जो प्लान है 100 वर्षों के लिए, क्या हुआ ये, इसकी कंसेप्ट कहाँ से आई, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MDGS। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा मीन्स जो यूनाइटेड नेशंस की असेंबली है, सबने पढ़ा होगा उसको, हमेशा हम उसकी बात करते रहते हैं, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं उसका रोल है, आता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या काम करती है, लोगों को सुखी जीवन प्रदान करने के लिए जो जो काम होने चाहिए वो सारे काम संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। अब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा केवल अपने इंडिया की नहीं है, किसी और देश की नहीं है, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जहां से क्या होता है, कौन आगे आता है और कहाँ होता है, भाई जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसी को प्रॉब्लम जन्म लेना शुरू करेंगी और प्रॉब्लम वहां होगी, तो फिर ऐसे ऐसे लोग मिलके जिन जिनकी ज्यादा जनसंख्या है जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वही सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे देश आगे आके उन्होंने चुनाव किया, कुछ करा और एक सभा बना ली, उसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। अलग अलग देश इसमें भागीदार होते हैं। इसका थोड़ा सा आप चाहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करते हैं, एक जनरल नॉलेज के लिए इसलिए पढ़ लेंगे क्योंकि ये हर टॉपिक में इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो इसने 2000 में क्या इसको स्वीकार किया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, ये 8 गोल इसमें डिसाइड किए गए थे, और इनकी लेकिन इन लक्ष्यों की गणना 1990 के स्तर पर की गई थी। अब 1990 के स्तर से क्या मतलब है यहाँ पर, कि मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है और 2020 को हम लेके चले, हमको हमने रूल तो हम टारगेट तो आज डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हमको पीछे से लेके चलना है। जब ये डिसाइड हो रहे हैं तब से ही नहीं लेके चल रहे, हम पीछे वाले इयर्स को भी शामिल करके चल रहे हैं, उनको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि वहां कुछ ना कुछ शायद कुछ स्तर पर काम हमने स्टार्ट कर दिया था, उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा की सहमति मिलते मिलते इतना टाइम हो गया, 10 साल निकल गए, तो इसलिए वहां से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए पीछे से लेके चल रहे हैं। सॉरी,
इनकी अवधि क्या रखी गई थी, 2015 तक रखी गई थी, और इनके इसमें कौन कौन से 8 गोल थे, ये 8 गोल इसमें डिसाइड, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से 8। अब इसमें से दोनों टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से कौन है या कौन नहीं है। तो पहला आ जाता है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। वैश्विक साझेदारी मतलब आपस में कोई चीज हमारे पास नहीं है वो आप दे दो, आपके पास जो नहीं है वो हम दे देते हैं। आजकल आप देखते होंगे हमारे अभी लेटेस्ट इंडिया में G20 सम्मेलन हुआ सारी दुनिया के, और हमारे भारत में आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, OMU साइन करके जाते हैं, हर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग हमारे यहाँ का, तो यही वैश्विक साझेदारी है। वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अलग अलग तरह का डेवलपमेंट होगा, उनको क्या होगा, उनको फाइनेंशियल उनकी ग्रोथ होगी ज्यादा, ऐसे करके ये क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है। फिर अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन। अब आपको लगेगा अत्यधिक गरीबी और भुखमरी आजकल की डेट में कहाँ कौन इतना बहुत ज्यादा होगा, आपके आसपास आपको नजर नहीं आते होंगे कि भाई कोई लोग हैं जो बिल्कुल ही जिनको खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमें जो दिखाई देता है कई बार वहीं तक सत्य नहीं होता है। इसके लिए एक वृत्तांत सुनाती हूँ मैं, एक सीनियर ने हमको सुनाया था, बहुत दिन से कोई आपने वृत्तांत सुना भी नहीं होगा। एक चिड़िया होती है, मतलब चिड़िया से भी पहले चिड़िया का जो जन्म हो रहा है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, एक अंडे से। अंडे के भीतर उसे अभी क्या लग रहा है कि बस यही मेरी दुनिया है, उसको उतना ही नजर आ रहा है वो अंडे के अंदर। फिर जैसे वो अंडे से बाहर आता है एक घोंसला उसको नजर आता है, तो उस घोंसले तक ही उसको लगता है कि मेरी दुनिया बस यहीं तक है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसको पंख होते हैं, उसकी माँ थोड़ा थोड़ा उसको उड़ाना सिखाती, तो वो घोंसले के ऊपर तक बैठना सीख जाता है। तो अब उसको क्या लगता है कि जो घोंसले के आसपास उसको नजर आ रहा है पेड़ पौधे तो थोड़े बहुत पत्ते टहनियां, वहीं तक उसकी दुनिया है। अब उसके आगे और बड़ा होता है, थोड़ा सा और उड़ना जब पूरा सीख जाता है तो जितनी दूरी तक जाता है उसको लगता है यहीं तक मेरी दुनिया है ना। तो क्या हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं, हमको ये लगता है कि बस इतना ही है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि जो भूखा मरता हुआ, इवन गवर्नमेंट इतनी स्कीम चला रही तो फिर कैसे भूखा, नहीं, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम चलने के बाद भी ऐसी कंडीशन है। मैंने हमेशा बताया, मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैं उस फैमिली को देख रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर एक फैमिली रहती है, मैं उनको डेली देखती हूँ कि ये कंडीशन होती है कि बच्चे सुबह से लेके दिन भर भूखे रहते हैं, मम्मी आती है एक ही टाइम का खाना बनता है, कई बार वो भी नहीं बनता है, उनके घर में आटा खत्म हो जाता है, 2-3 दिन तक आटा नहीं रहता है, ऐसे ही कुछ तो भी काम चलता है उनका, सिर्फ क्या सब्जी बना लिया, कुछ कर लिया, कुछ भी ऐसे ही काम। मैंने उनको देखा है, मुझे बड़ा मतलब अंदर से दुख भी होता है। तो ऐसी फैमिलीज हैं, बस हमारी नजरों में नहीं है, इसलिए ये टारगेट लिया गया है कि ऐसी वाली कंडीशन से बाहर निकला जाए 2015 तक। ये 2000 में जो हुआ था, क्वेश्चन को भी माइंड में सेट रखिए, ये सारी चीज हुई थी 2000 में, स्वीकार किया गया था, और 2015 तक इन टारगेट्स को पूरा करने का एक रखा गया था, समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेके कहां से चले थे, तो 1990 से। फिर इसके बाद में अगला है प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। हायर एजुकेशन जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय आपको ध्यान होगा कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसे दिखाए थे आपको कि जिसमें बालक जो है, बच्चे छोटे छोटे जा रहे हैं नंगे पैर, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, और पता नहीं कितनी दूर उनका स्कूल है, कई बार स्कूल और घर के बीच में नदी होती है, जंगल होता है, तो ये क्या सर्वसुलभ है। हम तो देख रहे हैं हमारे 100 मीटर 50 मीटर पर स्कूल है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम छोड़ के आ गए पैदल पैदल जाके, लेकिन अगर वो स्कूल कैसे है, वो प्राइवेट स्कूल है, उनमें गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, और जो गाँव वाले क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सर्व सुलभ शिक्षा बनाई जाए, उसके लिए सुविधाएं दी जाए कि भाई
जो रास्ता है वो बहुत अच्छा करा जाए, जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की पढ़ाई में वो सारी दूर करी जाए। फिर एक है पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, क्यों जरूरत है इसकी, इसके लिए अभी एक डायग्राम आएगा आगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण को भी हमको सुनिश्चित करना, मतलब योजनाएं बनाई जाए। आपने देखे होंगे ना बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, कईयों ने देखे भी होंगे। ये नेशनल पार्क का कंसेप्ट क्यों आया, इसीलिए आया कि वन और जीव जंतु, सिर्फ मनुष्य, मनुष्य क्या चाहता है, सिर्फ मैं ही रहूं, मेरे सारे सुख हो, लेकिन पता नहीं है उसको कि जो दूसरे हैं उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। तो वो उनपे ध्यान दिए बिना आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन ये कंसेप्ट आया फिर कि नहीं उनको भी सुरक्षित करना है, इसलिए फिर पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई कि कुछ ना कुछ बनाए, योजनाएं बनाई जाए, ये बनाया जाए, नेशनल पार्क बनाया जाए, सेंचुरीज बनाई जाए। फिर लैंगिक समानता का प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, सिर्फ इतना काफी नहीं है कि लैंगिक प्रोत्साहन, लैंगिक समानता को प्रोत्साहन तो देना है कि भाई लड़के और लड़कियां बराबर हो, ऐसा नहीं कि 100 लड़के हैं और एक लड़की है, ये ठीक है, इस पे हमने बहुत काम कर लिया, बहुत अच्छी कंडीशन पे आ गए कि 1000 में 900 या 920 930 तक लड़कियां होने लगी हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपने लड़कियों की संख्या तो बढ़ा ली, लेकिन उनको पिछड़ा रहा था, नहीं तुम स्कूल नहीं जाओगी, पढ़ाई नहीं करोगी, क्या करना है। आज भी ये कंडीशन है महिलाओं को, और ये तो ठीक है जिन घरों में पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के, बहुत समृद्ध परिवारों के घरों की ये कंडीशन मैंने आंखों से देखी है कि मनुष्य की मानव, मतलब जो पुरुष है उसकी सोच ये है पुरुष प्रधान परिवारों की कि नहीं तुम महिला हो, तुम्हें दबके ही रहना है, तुम्हें सामने नहीं आना है, कुछ करना नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे और पैसे वालों की ये सोच है। उस सोच से बाहर निकलने का एक टारगेट रखा गया, बाल मृत्यु दर में कमी का एक टारगेट रखा गया। और अब बाल मृत्यु दर में कमी क्यों, क्योंकि भाई पहले के जमाने में उस समय तक भी ये, आजकल बहुत सारे टीकाकरण अभियान चलने लगे हैं, बहुत विकसित हो गए हैं, तो बाल मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन ये उस समय की बात है, इसलिए ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि भाई बाल मृत्यु दर तो नहीं होती है इतनी, है बाल मृत्यु दर, ये उस समय के उसमें पूछा जा रहा है, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी होती थी, अगर समय पे सही टीका या इलाज नहीं मिला तो बच्चे बच नहीं पाते थे, 10-10 बच्चे होते थे पहले, उसमें से एक या दो बच्चे बड़े होते थे तब तक। फिर एक है मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, सेम कंडीशन है, मातृत्व और बाल मृत्यु दर एक जैसी कंडीशन पे डिपेंड थे, बहुत सारे रोग हो जाते थे, इलाज नहीं मिलते थे। HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम का उपाय करना, टोटली क्या बात है यहाँ पर कि हर तरह से मनुष्य सुखी रहकर जी सके, उसके लिए उसको बाकी लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे मिलेनियम विकास हो गए, सहस्राब्दीय विकास हो गए, और इसके कितने सीधा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितना जाएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एक सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, दो क्वेश्चन ये हो गए। फिर कौन से ईयर में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा या यूएनए द्वारा स्वीकार किए गए, कहां किस, उनकी गणना किस स्तर से, कौन से दशक से स्टार्ट की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। इनकी अवधि कब तक, जो मतलब हमको कब तक अचीव करना है, ये एक डिसाइड कब तक का किया गया था, 2015 तक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, 8 गोल ये हो गए हैं सारे, इन सबको भी आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट है, इसी का एक पार्ट है दूसरा वाला, धारणीय विकास, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है टर्मिनोलॉजी सस्टेनेबल, इसके लिए फिर से एक सुनते हैं छोटा सा। एक बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठ के जा रहा है, सिग्नल आता है, आपने देखा होगा, एक एड देखा होगा ऐसा कि वहां पे जाके सिग्नल हुआ है 60 सेकेंड्स का, 1 मिनट का पूरा, लेकिन उसके पिताजी ने गाड़ी ऑन रखी हुई है। बच्चा बड़ा उससे बोलता है, पिताजी मुझे साइकिल पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब पूरा ध्यान अच्छे से सीखनी पड़ेगी और
आगे मैं अपना माइंड मेकअप ऐसे ही करके चलता हूँ कि मैं मुझे भविष्य में साइकिल ही चलानी है। पिताजी पूछते, क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें क्यों जरूरत है। बोलते, नहीं वो आपका कहना सही है, पैसा है, कार भी रहेगी, लेकिन जिस तरह से आप पेट्रोल जला रहे हैं हमारे लिए बचेगा नहीं। यही सस्टेनेबल वर्ल्ड का मीनिंग है, धारणीय विकास का मीनिंग है कि हम आज अपनी जरूरतें भी पूरी करें, लेकिन ऐसे करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम छोड़ के जाएं। हमारा बच्चा ये ना कहे, आपने मेरे लिए किया क्या, आपने मेरे लिए छोड़ा क्या। आजकल बहुत कॉमन हो गया, बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं अपने माँ बाप माता पिता के हाइट के होते हैं और उनसे सीधा बोलना डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, आपने मेरे लिए किया क्या है आपने। कई घरों में होता है ऐसा, तो ये वाली कंडीशन नहीं आए। इसी के लिए यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है, धारणीय विकास, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास की ऐसी प्रक्रिया, मैं बोलती तो नहीं चली जा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। जी मैम, ओके, मैम थैंक यहाँ पर जो आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं, हाँ परंतु यहाँ पर हम भी तो बोल सकते हैं कि आज की अगर जनरेशन को देखा जाए तो आज बच्चे माँ के बाप के लिए, फिर माता पिताओं के लिए क्या कर रहे हैं, जो अनाथ आश्रम भरते जा रहे हैं। आप तो नहीं, पढ़ लिख करके वही बाहर वही निकल बात रहे है हैं। कि ये सीक्वेंस में चल रही है ना, चेन बन गई है, वो तो जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही आगे करते चले जा रहे हैं। दोनों चीजें वो सब आगे आती जाएंगी। परंतु मैम माता पिता इतना नहीं करते हैं, लेकिन माता पिताओं के साथ बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब ऐसे संस्कार किसने दिए हैं ये भी सोचिए ना, अगर पेरेंट्स ऐसे संस्कार देते बच्चों को कि बच्चे हमारे अच्छे होते, तो यहाँ पे गड़बड़ तो पेरेंट्स की है ना पहले बचपन में। एग्जैक्टली यानी मैम एक पीढ़ी को सुधरना पड़ेगा तभी हम सुधार पाएंगे आगे। एग्जैक्टली बच्चों को संस्कार जैसे दिए, मैं मेरे घर का एग्जाम्पल है, मेरे भैया भाभी जो है और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भैया पूरा एग्जाम्पल सेट करते हैं बच्चों के आगे और बच्चे वैसा करते चले जा रहे हैं। तो वहां पे वैसी समस्या देखने में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप करके बता रहे हो, आप जो चाह रहे हो कि भविष्य में मुझे ऐसा मिले वैसा आप करके बता रहे हो। पिताजी के लिए कुछ भी करना, आधी रात को उठ के अपन कर रहे हैं, बच्चे देखते हैं ये चीज कि हाँ भाई मेरे पापा दादा दादी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पैर छूना, आप बच्चों के सामने पैर छूओगे पिताजी के माताजी के, तो बच्चे पैर छूना सीख जाते हैं। ये सारी चीजें जैसा देख, क्योंकि बच्चा सिर्फ रेफरेंस से सीखता है उसकी जो एज। और एक चीज इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएड में पढ़ाया जाता है, जिसने बीएड किया होगा आप में से वो ये जानते होंगे कि जो 0 से लेके 3 वर्ष की और उससे अधिक 5 वर्ष तक की जो एज होती है उसमें बच्चा जो सीख लेता है वो आजीवन याद रखता है। चाहे आप उसको अच्छी चीज सिखा दीजिए, चाहे बुरी चीज सिखा दीजिए, चाहे आप मार के दंड दे के जबरदस्ती उसको सिखाइए, उस समय आपने उसको मार लिया सिखा लिया वो आपके जिंदगी भर काम आएगा। मतलब वो दिया और आपको सिर्फ उसका फल प्राप्त करना है। और अगर खराब अभी तो चीजें वही सिखाते एज के बच्चे मैम पढ़ना, मतलब इसमें जा रहे हैं पढ़ना घर बोलते हैं ना उसको, मतलब मम्मी पापा का पास टाइम नहीं रहता है, कहीं पे छोड़ दिए और चल दिए। नहीं। तो सेम वही बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वही चीज कर लेते हैं उनके हाँ, साथ। देख रहे हैं ना, वो देख कर सीख रहे हैं, अनुकरण से सीखता है बच्चा सिर्फ। वो 0 से 3 साल की एज में बच्चा सिर्फ अनुकरण से सीखता है, और उस समय पता है कि गलत जिद करता है, गलत डिमांड करता है। तो आपको एक अच्छा पेरेंट्स बनना है तो आपको बिना मार धाड़ के भी ये तरीके आने चाहिए कि आप बच्चे को कैसे डाइवर्ट करें और अच्छी चीजें उसको कैसे सिखाएं। ये सिर्फ और सिर्फ, और इसके लिए आज की डेट में अगर सोचें तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन होता वही है ना, जैसे मैडम ने कहा कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। और इसका सारा रोल, मतलब इसकी जड़ में क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा जरूरत है हर चीज है, मतलब महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है तो एक अकेला पेरेंट्स कमा रहा है उससे काम नहीं चलेगा, दोनों को जाना पड़ेगा, बच्चे को किसी के हवाले। अब बच्चे को ये नहीं सोच रहे कि हम किसी दूसरे के हवाले करके जा रहे हैं, वो भी तो हम उसको भी तो पैसा दे रहे हैं। कई जगह ये कंडीशन नहीं रहते कि जरूरत है इस वजह से ही हम कर रहे हैं, कई कई जगह सिर्फ ये कि हमारे अंदर ये टैलेंट है इसलिए हमको ये काम करना है, या कई जगह ईगो रहता है, स्टेटस की बात रहती है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक गैप है। उस गैप की वजह से
ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, हमारा जो टॉपिक है धारणीय विकास का, उसको अगर सिस्टमेटिक उसमें देखें साहित्यिक भाषा में, तो क्या है उसका मतलब? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। मतलब वही है कि ऐसा नहीं कि हम आज हम कर लें अपना, आगे की आगे से देखी जाएगी, किसने देखा है ये वाली सोचना हो। आज उपयोग कर लो, आज खूब घी पी लो, चाहे उधार ले पी लो, लेकिन कल की कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आगे वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना। पीढ़ी से मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे घर की ही पीढ़ी, पीढ़ी मतलब ऑल ओवर द अगली नेक्स्ट जनरेशन। फिर एक और चीज इसमें क्या आती है, सतत विकास मनुष्य को विलुप्त प्राय होने से बचाने हेतु मूलभूत शर्त है। विलुप्त प्राय मतलब हमारा जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि भाई पेट्रोल थोड़ा कम जला लें, साइकिल से थोड़ा चल लें, थोड़ा पैदल चल लें, यहाँ थोड़ा सा 10 किलोमीटर भी मतलब 10 तो ज्यादा हो जाता है, 100 मीटर जाना है, 300 मीटर जाना है, हमने उठाई गाड़ी और चल दिए, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो फ्यूल खर्च होगा, और ये क्या चीज है, खत्म होने हैं। तो हमें अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आने वाले मानव के लिए चीजें ही नहीं बचेंगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? सर्वाइव नहीं करेगा तो जैसे आज आप रेड डाटा बुक में पढ़ते हैं, जो हमारा होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रेड डाटा बुक होती है उसमें विलुप्त प्राय या लुप्त प्राणी जो एकदम बाउंड्री पे हैं, थोड़ी सी स्पीसीज उनकी बची है, कब खत्म हो जाए पता नहीं है, तो क्यों उनके अकॉर्डिंग एटमोसफेयर नहीं बचता है। समुद्र के बहुत सारे जीव खत्म हो गए, क्यों? क्योंकि हमने समुद्र में बहुत सारी पनडुब्बियां डाल दी हैं, हवा में, आकाश में, वायु मार्ग, रोज रोज के नए हमारे जो जाते हैं फ्लाइट्स जाती है, अलग अलग चीजें, तो सब जगह का क्या हो रहा है, उनके हिसाब से जो कंडीशंस थी वो अगेंस्ट हो रही है, इसलिए उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए धीरे धीरे और एकदम से नहीं होते, इसके लिए लेमार्क और डार्विन जो वैज्ञानिक थे साइंस में, उन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि जो चेंजेस आते हैं धीरे धीरे नहीं, एक पीढ़ी में कोई एक चीज बदली धीरे से, दूसरी में कोई एक चीज, या धीरे धीरे ऐसे। इसका एग्जांपल उन्होंने दिया जिराफ की, पहले गर्दन बहुत लंबी होती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों को वो खड़े खड़े सिर्फ ऊंची गर्दन करके ऐसे उनका उनसे वो कर लेता था, अपना भोजन प्राप्त कर लेता था, लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद में धीरे धीरे बहुत, एक पीढ़ी में थोड़ी गर्दन छोटी होती गई ऐसे करके हजारों पीढ़ियां बाद देखा तो उसकी गर्दन बहुत छोटी हो गई, हाइट भी कम हो गई। तो ये लॉन्ग टाइम में आने वाले चेंजेस हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं धारणीय विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले कहां से आया, तो द वर्ल्ड लैंड रिपोर्ट 1987 में एक आई थी, हमारा साझा भविष्य, यानी हम अपनी अपनी इंडिविजुअली ना सोचे, सबके बारे में सोच के चले, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, इसको ईयर और नाम याद रखिएगा, के बाद से ये कंसेप्ट आया। और इस रिपोर्ट ने क्या किया, इस रिपोर्ट ने हमारे रहन सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया। इसने बताया कि हमको सोचने की आवश्यकता है, हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, कि हम सिर्फ अपने हम डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, इसमें हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। इस पर पहली बार हमारा ध्यान आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया हमको इसकी तरफ, किसने, द वर्ल्ड लैंड रिपोर्ट 1987 ने। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, अब धारणीय विकास के उद्देश्य की बात करते हैं, मतलब पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या उद्देश्य है इसके, ये आप इतने जो उद्देश्य आपको नजर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, गरीबी निवारण,
एवं सतत आजीविका, ये किसी का भी सबसे मतलब गरीबी आपको हर जगह मिलेगी, आप जहां भी चलेंगे जिस भी उसमें पर्पस में चलेंगे या गोल में चलेंगे वहां आपको गरीबी का तो मिलेगा ही। क्यों भाई? पहली क्या है, जनसंख्या है, और जनसंख्या ज्यादा है तो मतलब कम चीज है, एक अनार सौ बीमार वाली कंडीशन है। अब एक अनार सौ बीमार है तो स्वाभाविक है कि गरीबी है, और उस गरीबी का निवारण करना है। निवारण करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम ऐसे ही चले, गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई सब कुछ सिस्टमेटिक चले ना, गवर्नमेंट नहीं होगी तो सब क्या करेंगे, अपनी अपनी मर्जी से जिसको जो मर्जी आई वो करेगा, किसी भी चीज को कोई भी कितना भी ले लेगा, किसी के पास बहुत आ गए और किसी के पास कुछ भी नहीं आया। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलने के लिए क्या होता है, एक समिति बनती है, गवर्नमेंट बनती है, इस टाइप की चीजें, यानी समूह का निर्माण होता है, संगठन का निर्माण होता है, फिर वहां पे सबके काम बांट दिए जाते हैं, आप ये करोगे, तो निगरानी करने वाला व्यक्ति हो जाता है। अब वो राशन की दुकान पे जाते हैं तो एक परिवार को इतने चावल मिलेंगे, इतने गेहूं मिले, तो कम से कम उन परिवारों को उतना भोजन तो मिलेगा, यानी जो बिल्कुल भूखे रह रहे हैं उनको पता है कि आप सबको बराबर बराबर इतना भोजन मिल जाएगा। ये तरीके आते हैं, ऐसी ही योजनाएं बनती रहती हैं। तो ये धारणीय विकास का एक क्या है, उद्देश्य है। भूख या गरीबी को हमको क्या करना है, आजीविका से मतलब समझते हैं सभी। आजीविका का मतलब होता है हम अपने जीवित रहने के लिए जो हमको साधन चाहिए, भोजन का भोजन या जो भी जैसे भी काम करके हम क्या करेंगे, अर्न करेंगे, और उस अर्न करने के बाद में हम उससे अपनी भूख को शांत करेंगे, खरीद लेंगे आटा चावल। तो आजीविका आपकी जैसे भी जो आपका पेशा होता है उससे आप आते हैं, आजीविका का आपका जो भी साधन, जीवित रहने के लिए आपको जो चीजें महत्वपूर्ण है वो आजीविका में आ जाएंगी आपकी। पर्यावरण अनुकूलन मानवीय गतिविधियां, पर्यावरण के अनुकूलित आप एक्टिविटी करें, जो भी कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट ना जाए, उसको नुकसान ना पहुंचाए। हम वाहन इतने सारे दिन दूने रात चौगने देख रहे हैं, और सारे पेट्रोल से चलते हैं, कोई डीजल से चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसा कैसा धुआं निकलता है, तो ये क्या कर रहा है। हमने अपना तो ठीक है, हमको चार घंटे जहां पहुंचने में लगते हैं हम दो घंटे में पहुंच गए, एक घंटे में पहुंच गए, लेकिन उसका इफेक्ट पर्यावरण पे क्या पड़ा ये हमने नहीं सोचा। तो हमको अब ये सोचना है, मोदी जी सोच रहे हैं, मोदी जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चला दिए हैं जो कि प्रदूषण ऐसा वाला नहीं करेंगे, और सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी ये वैकल्पिक साधनों की बात कहाँ से आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आई है। ऊर्जा दक्षता मीन्स हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें कि जो हमको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारा काम ज्यादा अच्छे से कर सके। इफिशियंसी की बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी इफिशियंसी। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन करना है हमको, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे करेंगे। अभी बताया था ना, फॉरेस्ट बना दिए, नेशनल पार्क्स बना दिए, सेंचुरीज बना दी, तो उनमें मानव की गतिविधि प्रतिबंधित कर दी। अब वहां के जीव जंतु जो हैं वो सुरक्षित हैं, अगर वो सुरक्षित है उनकी स्पीसीज बची रहेंगी, तो आप उनको अपने हिसाब से जो जो आप उनसे लेते हो, एनिमल प्रोडक्ट भी हम बहुत सारे यूज करते हैं, ना सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट यूज करने के अलावा, इसलिए सभी का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, संरक्षण बहुत जरूरी है। तो फिर इसके बाद में अगला जो उद्देश्य क्या है, उत्पादन अवसरों का विकास। मतलब उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो ज्यादा से ज्यादा हमको चांस अवसर मिलने, ऐसे हम सोचें कि उत्पादकता ज्यादा हो, रिसोर्स हम कम यूज करें, उसी में ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर ले। जैसे कि ये हमने देखा है कि जो पेट्रोल बनता है उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसमें लास्ट में जो चीजें निकलती हैं, सबसे पहले उसमें कुछ कुछ चीजें अलग अलग उस पर आती हैं, स्तर पर जो उसकी प्रोसेस होती है उसमें प्रबंधन आसवन पड़ा होगा सभी ने स्कूल में,
कहाँ गया पेन का साइज मोटा। चलो इसी से ऐसे देखते हैं, ये ऐसे लेवल होते हैं अलग अलग। पेट्रोलियम जब बनता है सबसे नीचे जब निकलता है उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो कहीं केरोसिन निकलता है, कहीं डीजल बन जाता है, कहीं पेट्रोलियम बनता है। अब उसमें एक सबसे आखिरी में जो सबसे वेस्ट मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम जेली, जैसे जो आजकल वैसलीन वगैरह प्रोडक्ट में यूज करते हैं, वो उसका सबसे आखिरी का कचरा होता है ऐसे करके। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही चीज का हम यूज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब और कैसे हम कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे बिजली की बचत करनी है हमको, तो उसके लिए हम एक पंखा चला रहे हैं, उसकी मतलब हर कमरे में अलग अलग पंखे चला रहे हैं, सबको अपनी वो चाहिए है, प्राइवेसी चाहिए, अलग अलग चाहिए, उसकी जगह हम एक ही जगह इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, अगर मच्छरों से बचना है तो उसके वैकल्पिक में सबसे अच्छा क्या है, मच्छरदानी है। तो वो संसाधनों का हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि चीजों को हम कैसे यूज करें कि हम कम यूज करके भी और ज्यादा हम उसका ले सकें और आगे वाली पीढ़ी के लिए हम उसको बचाए रख सकें। एक व्यक्ति को कहीं जाना है तो वो पैदल भी जा सकता है, मोटरसाइकिल से भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है, एरोप्लेन से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है। तो जिसमें दुर्लभतम सीमित संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो उसको वह करना चाहिए, दुर्लभतम सीमित संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। क्या है दुर्लभतम सीमित संसाधन, जो नॉन रिन्यूएबल है, ऊर्जा के ऐसे सोर्स जो बस हैं, खत्म हो गए, मतलब खत्म हो गए, फिर नहीं मिलेंगे वो, उसके बाद उनको हम नहीं देख पाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो वो सीमित संसाधन है, उनका श्रेष्ठतम उपयोग कैसे होगा, आप उनको मतलब किफायत से खर्च करेंगे, बहुत अधिक आवश्यकता है तभी खर्च करेंगे, नहीं तो खर्च नहीं करेंगे। इतना समझ में आया। एक और ऑब्जेक्ट क्या है, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता, मतलब जो जिनको हम बार बार बना सकते हैं, उपलब्ध है, इनकी कोई ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, उस पर ज्यादा डिपेंड रहे जो खत्म होने वाले हैं उसकी अपेक्षा। जैसे अभी हो ही गया, अभी एग्जांपल दिया था कि बैटरी वाले पे हम वाहनों पे डिपेंड हो जाएंगे, तो बैटरी तो सोलर एनर्जी से भी चार्ज हो जाएगी, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, एक विकल्प मिल रहा है। नेक्स्ट, धारणीय विकास हेतु मुख्य समझौते एवं अभी समय। धारणीय विकास से रिलेटेड जो जो एक दूसरे, अच्छा इसमें आ जाता है पॉइंटर का चेंज करने को, ओके। धारणीय विकास से रिलेटेड जितने एग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं वो मेन, वो हम देखेंगे। कन्वेंशंस, अब ये जाएगा नहीं ऐसे, इससे चले जाएंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब इनको एक साथ देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, पता नहीं रहते हैं। तो पहला था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जिनेरिया में, रियो डी जिनेरियो 1992 में आयोजित किया गया था। क्या उद्देश्य था इसका, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजना। और तत्कालीन का मतलब समझते हैं उस समय की, जिस भी समय बैठक हुई है 1992 में, तो उस समय पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या थी वो, एक तो ये समझना और उनको हम उनको कैसे समाधान निकाल सकते हैं, उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में बात करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर मुख्य बिंदु, 21वीं शताब्दी में धारणीय विकास की प्राप्ति हेतु एजेंडा 21 नामक कार्य योजना अपनाई गई।
एजेंडा 21 क्या है, कुछ 21 एजेंडा। एजेंडा का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है एजेंडे का मतलब? मुद्दा। हाँ मुद्दा भी, और जैसे अगर और अच्छे से हम समझे, जैसे हम बोलते ना ये तो मेरे 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 एजेंडे में नहीं था, ये काम मेरे एजेंडे में नहीं था, ऐसा हम सुनते हैं। एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची, जो भी हम एक कार्य की लिस्ट, जैसे समवर्ती सूची बताई थी मैंने, सेंट्रल की होती है एक सूची और एक स्टेट की सूची होती है और एक होती है समवर्ती सूची, तो ऐसे ही उनमें मतलब डिवाइड है काम, कि ये काम आप केंद्र सरकार के हैं, ये काम राज्य सरकार के हैं, और ये दोनों ड्यूटीज टाइप। हाँ ड्यूटीज टाइप। हाँ ड्यूटीज टाइप, कि आपने डिवाइड कर लिया। अभी बताया था ना कि लोग आगे आएंगे, उनने कमेटी बना ली, अब वो क्या करेंगे उसमें जो लोग हैं एक एक लोग को एक एक काम दे देंगे और बांट दिया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो वही है कि एजेंडा एक तैयार किया, क्या है इसमें बात करते हैं आगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं प्रतिवेदन के लिए धारणीय विकास आयोग का गठन किया गया था, इसकी तथा इसकी समीक्षा हेतु 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। मतलब अभी ये 92 में हुआ है, इसके 5 साल बाद फिर से बैठक होगी। इसके लिए जो टारगेट डिसाइड किए गए थे, जो एजेंडा में चीजें ली गई थी, उन पे कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में 5 साल बाद बात की जाएगी। ये ऐसी चीजों में से हर एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, इन्हीं ऐसी ही चीजों के लिए मैं बोलती हूँ। कल मैंने आपको होमवर्क ही दिया था ना कि आपको फैक्ट देखने हैं, 100 फैक्ट देखने हैं वैसे, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आपने 5-5 क्वेश्चन भी बना लिए तो आपका पांचों जो मेन एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आप कर लेंगे। चलिए आज समय हो चुका है तो हम अभी तक इसको यही कंक्लूड करते हैं। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। मैम ये जो आपने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए हैं, हाँ तो मैम इनकी संख्या क्या इतनी है, 7 ही है? 8 है। अच्छा, और मैम जैसे ये बुक के अंदर दिया हुआ था तो इसके अंदर 17 भी बताए थे, वो दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए मैंने अलग अलग करके बताया, वो हम कल पढ़ेंगे। ये जो दो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर शब्द, एक ये दिख रहा है आपको मिलेनियम डेवलपमेंट दिख रहा है, और एक जी जी ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है आपको संपोषणीय विकास, या यही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 17 है, और ये जो मिलेनियम है ये 8 है। ये दोनों याद रखिएगा अलग अलग, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, मतलब मैम मिलेनियम अलग है और खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग है। हाँ ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। ये 7-8 है और ये 17 है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके चलिए अब हम सबसे पहले, किसी को और कुछ पूछना है, किसी का कोई और डाउट है? स्क्रीन ऑफ कर दूं? चलिए तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं हम। अब कल इसके आगे हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, 17 गोल्स हम कल पढ़ेंगे।